क्या हाल है पोकी फैंस, मैं हूँ बोल्ट एंड गाइस पोकेमॉन स्वॉर्ड एपिसोड नंबर 11 में आप सभी भाइयों को दोबारा से स्वागत कर रहा हूँ। तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम सर्केस्टर टाउन आए थे और गाइस आज हम लोग यहाँ पे जिम बैटल करने वाले हैं। एंड गाइस आप लोग को मतलब मौसम देख के लग रहा है कि ये गाइस एक स्नो जिम बैटल होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है। गाइस काफी मजेदार होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा मतलब जोशीला फील कर रहा हूँ कि गाइस आज मुझे 6 बैच मिलने वाला है। आप सभी भाइयों को एक चीज दिखा देता हूँ, एक चीज़ देखो गाइस, एक चीज़ देखो मेरे लीग कार्ड में अभी मेरे पास कितने बैचेस है गाइस, 5 बैचेस है। ठीक है, तो 6 बैच मिल जाएगा और फिर 2 ही बैच बचेंगे। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन अप टू पोकेमॉन अप टू लेवल 70 विल लिसन टू दिस ट्रेनर्स रिक्वेस्ट। तो अगर आप लोगों ने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोगों को जरूर से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी एक रियोलू है जो कि लेवल 68 का है शायद से। एक मिनट गाइस, मैं बोल चुका हूँ उसका लेवल दिखा देता हूँ। तो क्विक अपडेट 69 का है। मेरे पास कोलोसेल है लेवल 42 का, ग्लेली है जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने पकड़ा था। एक्चुअली ग्लेली को नहीं पकड़ा था गाइस, मैंने स्नो रन को पकड़ा था और उसको मैंने इवॉल्व करके ग्लेली में बदल दिया। ठीक है, एंड गैलोपा है गाइस अपना रैपिडस जो कि एक गाइस साइकिक फेरी टाइप पोकेमॉन है। कॉर्विनाइट है लेवल 46 में और मेरा सबसे ओपी पोकेमॉन सिंड्रेस। तो गाइस आज क्या करेंगे, अभी मैं स्नो बैटल करने जाऊंगा तो सिंड्रेस को टॉप लेवल पे लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो सिंड्रेस को टॉप लेवल पे लेकर के आऊंगा। एंड गाइस अभी तो दोपहर का टाइम है, आज मैं दोपहर के टाइम में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गाइस डेफिनेटली शायद से गाइस आज मैं रियोल को लुकारियो बना पाऊंगा। गाइस हम लोग जिम पे तो पहुंच चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे मेरे को एक पोकेमॉन दिखाई दिया। ये थोड़ा सा मेरे को मतलब एक जाना पहचाना सा पोकेमॉन लग रहा है, लेकिन गाइस पता नहीं गाइस गला रीजन में पोकेमॉन के टाइप्स जो चेंजेस होते जाते हैं तो इसीलिए हम लोग फटाक से मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके गाइस मैं आ गया। ओ इधर तो हॉप ऑलरेडी है, आई थिंक गाइस हॉप को बैज मिल चुका है गाइस। और आई लॉस इट ऑल वेंट टू पॉट। अरे फिर से हार गए यार तुम, फिर से हार गए यार। थोड़ी देर पहले तुम्हारा जोश कितना भरपूर था यार, तुमने बोला था कि अब से तुम यार और ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, अब क्या हो गया हॉप यार। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, अब क्या बोलता है लेट्स लिसन टू हिम। देयर मस्ट हैव बीन समथिंग रॉन्ग विथ माई स्ट्रेटेजी बट आई डिड जस्ट व्हाट आई हैव सीन ली डू इन बैटल्स। अरे तुम अपना एक खुद का स्ट्रेटेजी बनाने का कोशिश करो, ठीक है। अगर तुम दूसरे के बैटल स्टाइल को फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होगा, अपना खुद का एक बैटल स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, सभी का बैटल स्टाइल यूनिक होते हैं, यू नो ना। ऑल राइट, हियर टेक इट, इट्स द रॉक लीडर्स here take it, it's the rock leader's league card, you should check out the gym leader you will have to face to rock leader। लेकिन हम तो स्नो जिम में है ना गाइस, आई डोंट नो गाइस। एंड मी आई हैव गॉट टू फिगर आउट व्हाट टू पुट ऑन माय टीम वंस एंड फॉर ऑल एंड नो मोर ऑफ दिस डाउटिंग। ओके, तो गाइस हॉप ने तो बोला कि ये एक रॉक जिम लीडर है। ओ बॉल गाय इस बार तुम मुझे कौन सा बॉल देने वाले हो। हे डियर थैंक्स फॉर रोलिंग बाय टू हैव अ चैट विथ योर मेट द बॉल गाय। हाँ हाँ तुम यार मेरे दोस्त बन चुके हो यार, एकदम पहले जिम से तुम हो। आई हर्ड दैट अ विशिंग स्टार फेल टू यू, दैट मीन्स यू आर चूजन बाय विशिंग स्टार एंड दैट ऑल्सो मीन्स आई हैव गॉट अ पोकी बॉल फॉर यू। अच्छा कौन सा वाला खास, अच्छा मून बॉल मिला गाइस, मून बॉल, यू पुट द मून बॉल इन योर बैग्स बॉल पॉकेट। ओके, तो गाइस मून बॉल क्या करता है चलो इसी से हम लोग जानेंगे। मून बॉल्स आर क्यूरियस पोकेबॉल्स, दे आर वेरी गुड एट कैचिंग पोकेमॉन दैट इवॉल्व बाय यूजिंग अ मून स्टोन ऑन देम। ओके, पोकेबॉल्स आर जस्ट फुल ऑफ सरप्राइजेस डोंट यू थिंक। हाँ यार पोकेबॉल्स बहुत ज़रा सरप्राइज करते हैं। तो गाइस हाँ गाइस मेरे को लग रहा है कि ये रॉक टाइप जिम ही है, तो ना एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, अगर रॉक टाइप जिम है तो मुझे ना पोकेमॉन आई थिंक एक वाटर टाइप पोकेमॉन को लेना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि मेरे टीम में अभी वाटर टाइप पोकेमॉन है नहीं। देख सकते हो गाइस वाटर टाइप पोकेमॉन तो है नहीं, तो एक काम करते हैं गाइस, कौन से वाले पोकेमॉन को स्विच करूँ। रियोलू को डेफिनेटली मैं स्विच नहीं करूँगा गाइस, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है और अभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुए बन रहे हैं। तो रॉक टाइप के अगेंस्ट आई थिंक गाइस मुझे फाइटिंग टाइप पोकेमॉन लेना चाहिए। कॉर्विनाइट को स्विच करूँ क्या एक बैटल के लिए, कॉर्विनाइट को ही करते हैं गाइस, एक बैटल के लिए कॉर्विनाइट को ही कर देते हैं चलो, और एक वाटर टाइप पोकेमॉन को ले लेते हैं। ठीक है, एक शक्तिशाली वाटर टाइप पोकेमॉन कौन सा है मेरे पास, शक्तिशाली वाटर टाइप पोकेमॉन है नहीं क्या मेरे पास, ये है ना गाइस, ये है शेल्डर लेवल 36 का है। इसको गाइस बनाना था क्लॉयस्टर, लेकिन यार मेरे को वाटर स्टोन मिलने से रहा, तो डेफिनेटली गाइस आज वाटर स्टोन भी ढूंढ लेंगे। एंड गाइस ओ ये गाइस मेरे पास ड्रेडनॉट था ना, एक मिनट, अरे मैं दूसरे बॉक्स में क्यों जा नहीं पा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी शक्तिशाली पोकेमॉन्स हैं। ठीक है, तो गाइस मैं लॉकजॉ को ले लेता हूँ, आई मीन अपने ड्रेडनॉट को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फायदेमंद होगा बैटल में, ये थोड़ा सा फायदेमंद साबित होगा। ऑल राइट, तो पोकेमॉन वोकेमॉन सब कुछ ले लिया है एंड नाउ वी कैन
प्रोसीड फर्दर. ओके वेलकम जिम चैलेंजर, डू यू वांट टू अटेम्प्ट अ जिम मिशन? डेफिनेटली यार, इतने दूर से आया हूँ, सिक्स वाला जिम बैच तो चाहिए ही चाहिए. ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू अटेम्प्ट अ मिशन देन यू विल नीड टू चेंज इनटू योर यूनिफॉर्म. ओके डेफिनेटली आई एम गोना चेंज माय यूनिफॉर्म. ओके गाइस, तो मैं अभी एकदम फुल अपने ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आ जाऊंगा. ओके गाइस, मैं अपने ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आ चुका हूँ. मेक श्योर टू रिसीव द ट्रैप डिटेक्टर अप अहेड टू, यू विल नीड इट फॉर द जिम मिशन. ओके, ये ट्रैप डिटेक्टर क्या है पता नहीं गाइस, लेकिन कुछ तो होने वाला है. आई डोंट नो, मैंने बस ऐसे ओके बोल दिया. ये क्या होने वाला है पता नहीं गाइस. देख सकते हो, आई थिंक ये रॉक. लेकिन गाइस, ओ गाइस, एक स्नोई एरिया में सीरियसली गाइस, ये एक रॉक टाइप जिम ही है गाइस. हॉप ने मेरे को बोला, इसीलिए मैं बच गया. इसलिए मैंने गाइस वाटर टाइप पोकेमॉन को ले लिया, नहीं तो लग जाता मेरा. एंड ये क्या चीज़ है भाई? वुड यू लाइक टू हियर द डिटेल्स ऑफ द जिम मिशन कैरिड आउट हियर इन सर्केस्टर? पता नहीं गाइस ये ट्रैप वायर क्या चीज़ है, ट्रैप डिटेक्टर, सॉरी दैट अलाउ मी टू एक्सप्लेन ए लिटिल अबाउट द ट्रैप डिटेक्टर यू होल्ड इन योर हैंड्स. पता नहीं गाइस, मैं खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ. देख सकते हो मेरे चेहरे को देख करके आप लोग को पता चल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा टेंस हूँ. अगर द रीज़न यू नीड इट इज सिंपल, देर आर इनविजिबल पीट फॉल्स एवरीवेयर इन हियर. ओके, इफ यू फॉल इन टू वन यू विल हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द लास्ट प्लेटफॉर्म यू रीच. ओके, तो गाइज यहाँ पे कुछ होल्स हैं, तो अगर हम लोग उन होल्स में गिर जाएंगे तो पहले से शुरुआत करना पड़ेगा, मतलब बिगिनिंग से फिर से जाना पड़ेगा. आप लोग समझ पा रहे हो ना गाइस? द डिटेक्टर विल वाइब्रेट व्हेन देयर इज अ पिट फॉल इन फ्रंट ऑफ यू. द क्लोजर द होल द स्ट्रॉन्गर द वाइब्रेशन. अच्छा, वाइब्रेशन तो मेरे को फील होगा अभी मेरे कंट्रोलर में, तो मेरे को समझ में आ जाएगा. देन ऑन विथ यू एंड गुड लक. ओके गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो पता नहीं, ओ गाइस, एक कौन यहाँ पे, ये सब कौन बोल रहा है गाइस? ट्राई टू फील योर वे थ्रू, ट्रस्ट योर सेंसेस. ओके गाइस, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे वाइब्रेशन है. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, नहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है. आई थिंक इधर से जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वाइब्रेशन नहीं फील हो रहा है. ऑलराइट गाइस, ओ ओ यहाँ पे भी वाइब्रेशन है, यहाँ पे भी वाइब्रेशन मेरे को फील हो रहा है. अरे अरे अरे, एक मिनट गाइस, वाइब्रेशन तो फील हो रहा है. ओके गाइस, इनके साथ फाइट करना ही पड़ेगा, और कोई तो उपाय नहीं, तो चलो फाइट कर ही लेते हैं. आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए. आज मेरा दिन का पहला बैटल है, तो डेफिनेटली मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला हूँ गाइस, मतलब कोशिश करूँगा कि बढ़िया परफॉर्म करूँ. ठीक है, अभी गेल. ओके, भेजिए अपने पोकेमॉन को. बोल्डर, ओके बोल्डर आ गया है गाइस. ये काफ़ी स्ट्रांग पोकेमॉन है. हाँ, मैं किसी पोकेमॉन को अंडर एस्टिमेट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पोकेमॉन्स के अंदर खास एबिलिटीज़ होते हैं भाई. ओके गाइस, तो इसके ऊपर ना मैं, ये बोल्डर है ना, एक काम करते हैं गाइस. कौन सा वाला अटैक? मेरे पास फाइटिंग टाइप काउंटर पायरोबॉल ही यूज़ करते हैं. चलो गाइस पायरोबॉल ही यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पायरोबॉल को खर्चना नहीं था, क्योंकि पीपीस बहुत कम होते हैं. अभी सिर्फ चार ही बचेंगे. ओ, बोल्डर को मैं हरा नहीं पाया यार, वन शॉट नहीं बोल पाया यार. मेरे को लगा था मैं वन शॉट बोल पाऊँगा, डैमेज तो दिया, लेकिन गाइस सिंड्रेस ने वन शॉट नहीं दे पाया. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंड्रेस स्मैकडाउन यूज़ करा मेरे ऊपर गाइस. ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, सुपर इफेक्टिव था यार, सुपर इफेक्टिव था. ग्राउंड टाइप मूव है ना, तो गाइस एक काम करते हैं, फ्लेम चार्ज यूज़ करते हैं. चलो इसके ऊपर कमांड सिंड्रेस, इस बार तो हरा दो. यस गाइस, हरा दिया फाइनली गाइस, मैंने बोल्डर को हरा दिया गाइस, मज़ा आ गया. लेकिन गाइस, और हाँ गाइस, एक चीज़, मैं अभी गाइस रेगुलरली पोकेमॉन वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मुझे 25 नवंबर से पहले मुझे पोकेमॉन स्वॉर्ड खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस, क्योंकि पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड आ रहा है. एंड गाइस, मैंने प्री परचेज कर दिया है, आने ही वाला है. एंड गाइस, हम लोग पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड खेलने वाला है. एंड गाइस, मुझे क्लासिक सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद है यार, बहुत ज़्यादा पसंद है यार, पुराने वाले सीरीज. ठीक है, ओके गाइस, तो एक चीज़ करना पड़ेगा, अपने सिंड्रेस को थोड़ा सा पोषण देना पड़ेगा, क्योंकि वो हर्ट हो गया था. ओके सिंड्रेस, ये लो, फुल हेल्थ कर देंगे. ठीक है सिंड्रेस को. ओके गाइस, ये लोग रॉक टाइप पोकेमॉन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं एक काम करूँगा गाइस, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपने पोकेमॉन को स्वैप कर लेता हूँ और लॉकजॉ को पहले नंबर पे भेज देता हूँ. ठीक है, ओके डन. तो चलो, ओके गाइस, यहाँ पे शायद, ओ नो 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 गाइस, पहले से शुरू नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे भी वाइब्रेशन फील हो रहा है यार. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है गाइस, मे बी. ओके, यहाँ से फील नहीं हो रहा है. ओके, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है. ओके, यहाँ पे फील नहीं हो रहा है वाइब्रेशन. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा है. और यार, गलत सीन हो गया यार, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया मेरे साथ. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी मेरे को, ओ नो गाइस, इधर भी था यार. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, एटलीस्ट मेरे को अभी मालूम चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे है.
तो गाइस इस तरफ से नहीं होगा डेफिनेट। अरे है क्या, और यार गाइस जहाँ पे भी पैर रख रहा हूँ उधर से ही मैं नीचे गिर रहा हूँ, तो अब तो इधर तो नहीं होगा ना। ओके वाइब्रेशन इधर, ओ इधर है, इधर वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। ओके ऑल राइट गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सेकेंड पड़ाव में। ओके गाइस ये क्या हो रहा है भाई, ये हिल क्यों रहा है इतना, और देख सकते हो गाइस, ओ भाई कितने खद्दों को मैं पार करके इधर आया हूँ भाई। तो इस बार के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है ना। ओके गाइस हम लोग दूसरे पड़ाव में पहुँच चुके हैं सेकेंड लेवल पे, और इस बार संभाल के जाना पड़ेगा। इधर है क्या, ओके यहाँ पे फील तो हुआ मेरे को। ओके गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है, तो आई थिंक सामने से जाना पड़ेगा। यस सामने से सही जा रहा हूँ, इधर है गाइस, इधर है, उर इधर भी है, इधर ही भी है, इधर चला मैं उधर चला भाई, लेकिन जाने कहाँ भाई, इधर कहाँ पे है पिट, आई डोंट नो। ओ गाइस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है, ये देख सकते हो गाइस कैसे वाइब्रेशन फील हो रहा है मुझे ना। एक मिनट यहाँ पे और ज़्यादा फील हो रहा है, तो कैसे जाएंगे ब्रो, ए भाई क्या। ऑलराइट कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मेरे को समझ में आ रहा है, सीधा जाऊँ क्या, फील हो रहा है लेकिन गाइस, ओ इधर फील नहीं हो रहा है, ओ इधर बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा है, इधर थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, इधर तो बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा है गाइस। ओके इधर थोड़ा सा फील हो रहा है। ऑलराइट गाइस हम लोग पहुँच चुके, ओके ऐसे जाना पड़ेगा शायद से। यस यस गाइस हम लोग को अभी इनके साथ फाइट करना पड़ेगा, फाइट करना ही पड़ेगा शायद से गाइस, नहीं करने से, ओ नहीं करने से भी होगा शायद से, आई डोंट नो गाइस। मैं कुछ, ओ गाइस है अरे यार फिर से गाइस, फिर से यार शुरुआत से, ओ नहीं शुरुआत से नहीं आना पड़ा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। तो एक काम करते हैं, इनके साथ ऐसे जा पाएंगे क्या मैं, ओ ऐसा जा पाऊंगा गाइस, तो सीधा मैं इनके साथ ही फाइट कर पाऊंगा। यस आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गॉड इज अमेजिंग क्वालिटीज नंबर वन, ही इज कूल एंड फैशनेबल। ओके ओ तो जिम लीडर का नाम गॉडी है, अच्छा मेरे को लगा तेरा नाम गॉडी है, और इसका नाम ओलिवर है, और ये बहुत ज़्यादा गुस्सेला लग रहा है मेरे को। बाप रे गाइस मेरे घर के पास अभी भी फटाके फोड़ रहे हैं भाई, मेरे को जाना पड़ेगा शाम के वक्त में जाएंगे, लेकिन गाइस पॉल्यूशन कम फैलाओ ठीक है। ऑलराइट गाइस तो ये तो अभी जाने वाला है गाइस, डेफिनेटली मैं गाइस कारकोल को अभी उड़ाने वाला हूँ। लिक्विडिफाई अभी यूज़ नहीं करूँ क्या, लिक्विडिफाई, चलो गाइस एक काम करें रॉक स्लाइड यूज़ करते, लॉक जॉ दिखा दे, कमान दिखा दे इसको, वन शॉट बोल्टे गाइस, वन शॉट बोल्टे डायरेक्ट, मैं बोल दिया वन शॉट बोल्टे गाइस। एंड ड्रेडनो तुम भी अभी ऑफिशियल मेंबर हो चुके हो वन शॉट बोल्टे क्लब का। ओके लेवल 61 पहुंच चुका है ये गाइस, और इसको मैंने हरा दिया, इसके पास एक ही पोकेमॉन था क्या, अरे वाह मजा आ गया। गॉड इज अमेजिंग क्वालिटीज नंबर टू, ही इज लाइवली एंड स्टाइल इज ओके। ऑलराइट तो गाइस ये लोग अपने जिम लीडर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ये लोग अपने जिम लीडर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, ऑलराइट गाइस तो इधर घूम के जाना पड़ेगा, अरे इधर भी है ब्रो इधर भी है यार। ऑलराइट गाइस मेरे को समझ में आ रहा है, इधर तो नहीं होगा, प्लीज इधर है गाइस इधर है, तो ऐसे जाना पड़ेगा शायद से। यस गाइस ओके गाइस मैं सही, अरे सही नहीं जा रहा हूँ ब्रो, सही नहीं जा रहा हूँ यार। ऑलराइट गाइस मेरे को समझ में आ रहा है, ऐसे जाना पड़ेगा गाइस, ऐसे जाके अब ऐसे, यस एंड नाउ यस गाइस हम लोग देख सकते हो सेकेंड लेवल को भी हमने क्रॉस कर ही दिया है, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया ये चीज़ देख के, देख सकते हो गाइस कितने खद्दे थे भाई, कितने खद्दों को मैंने क्रॉस करके थर्ड लेवल पे आया हूँ। इट माइट गेट अ बीट हार्डर टू सी नाउ। ओके गाइस देख सकते हो यहाँ पे सैंड स्टॉर्म अराइज हो गया, तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया, अभी पता नहीं गाइस क्या होने वाला है। मैं सीधा ही जाऊँगा, सीधा नहीं सीधा नहीं जाऊँगा, ओ रे यार फिर से गाइस गिर गया ना। ऑलराइट गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, कोई प्रॉब्लम, अरे नहीं है प्रॉब्लम है गाइस, कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता यार, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मैं गिरते जा रहा हूँ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके टक्स नो रोबिंग योर आइज। ओके अरे इधर है गाइस, बहुत स्ट्रांग फीलिंग हो रहा है सीरियसली गाइस, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है। यहाँ पे कोई पोकेमॉन ट्रेनर भी है तब भी पता नहीं चलेगा गाइस, ये देख सकते हो कितना वाइब्रेशन फील हो रहा है। अच्छा यहाँ से ओके कोई है गाइस, ओ इनके साथ फाइट करना पड़ेगा क्या, शायद से इनके साथ फाइट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे फाइट नहीं करना है, सीधा जिम लीडर के साथ फाइट करना है, तो मैं भागने की कोशिश करूंगा ठीक है। अरे देख लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए चलो फाइट करते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो, योर चैलेंज बाय जिम लीडर वेंडी। ओके भेजिए अपने पोकेमॉन को सूडो वूडो। ओके गाइस ये दिखने में ग्रास टाइप पोकेमॉन है, बट गाइस दिस इज अ रॉक टाइप पोकेमॉन, यू नो आप सभी को पता है यार, आप तो पोके फैंस हो यार,
मुझसे कई गुना जानते हो आप लोग कौन सा क्या चीज़ है। तो गाइस चलो लिक्विडेशन यूज़ करते हैं इसके ऊपर, और लिक्विडेशन से तो ये तो एक ही फटके में उड़ेगा गाइस। वन शॉट बोल्टे गाइस, ओ वन शॉट नहीं बोल पाया गाइस, थोड़ा सा इट्टू सर हेल्थ रह गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, वुड हैमर यूज कर रहे। ओ भाई सुपर इफेक्टिव मूव था यार ये। अरे यार चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, सूडो वोडो तो हार ही जाएगा, लेकिन गाइस इसने मेरे ड्रेडनाउ को बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे दिया। और कोलोसल लेवल 43 पहुंच चुके हैं, अरे वाह। यू डिफीटेड जिम लीडर वेंडी, जिम ट्रेनर वेंडी, जिम लीडर बोल दिया था गाइस। इवन दो आई नो यू आर देयर, आई कुडंट सी अ पावर ऑफ विक्ट्री। यू गॉट 3744 फॉर विनिंग। एंड गाइस अभी बहुत सारे पैसे हैं, मुझे जाकर के आज बैग तो खरीदना पड़ेगा एक बुटीक में जाकर के। तो पहले एक काम करते गाइस, ड्रेडनाउ को बहुत ज़्यादा फटका पड़ गया था, तो मैं ना हाइपर पोशन, ओ हाइपर पोशन सिर्फ एक ही है मेरे पास गाइस। ओके गाइस और एक छोटू सा पोशन यूज कर लेते हैं इसके ऊपर। यस गाइस अभी ये फुल हेल्थ हमें आ चुका है, एंड नाउ गाइस आई कैन प्रोसीड फर्दर। ओके गाइस यहाँ पे है शायद से होल, देख सकते हो। ओ नो गाइस यहाँ पे भी है, तो शायद से इस तरफ से ही जाना पड़ेगा। मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार, इधर भी है, इधर भी। अरे गिर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, अभी मेरे को समझ में आ रहा है। तो ऐसे जा करके इधर एक खड्डा था। ओ भाई अभी ओके इधर। ओ नहीं 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 गाइस नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। अरे क्या हो गया भाई, मैं ओके ऑलराइट इधर तो नहीं है शायद से। अरे है गाइस है, देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइब्रेशन दे रहा है। इधर से कम वाइब्रेशन दे रहा है। ओ इधर भी है, तो कौन से तरफ से जाऊं भाई। ओके गाइस ओके ऑलराइट आई एम गोइंग। अरे गया मैं गाइस, अरे यार फिर से आना पड़ेगा यार। तो गाइस इस बार मैं कमाल तरीके से जाऊंगा, ठीक है। ओके गाइस क्या हम लोग पहुंच चुके हैं? यस गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी डायरेक्ट हम लोग जिम लीडर के साथ फाइट कर पाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो सैंडस्टॉर्म था वो गायब हो गया। एंड गाइस हम लोगों ने थर्ड पड़ाव भी कंप्लीट कर लिया गाइस, थर्ड लेवल भी कंप्लीट कर लिया। और अभी हम लोग गाइस सर्केस्टर के जिम लीडर गॉडी के साथ फाइट करने वाले हैं गाइस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ गाइस। एंड गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस अभी मैं रेगुलर होने वाला हूँ इस चैनल पर, ठीक है। रेगुलर पोकेमॉन गेम्स खेलेंगे, क्योंकि गाइस मेरा फेवरेट गेम आने वाला है गाइस। एंड सही में गाइस पोकेमॉन डायमंड एंड पोकेमॉन पर्ल जो सीरीज था, छुम्मा वाला सीरीज था, तो अभी वो तो रीमेक होके आ रहा है ब्रो। क्या ही मजा आएगा ना गाइस, क्या ही मजा आने वाला है गाइस। ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दरवाजे पे, तो अभी ट्रैप वायर तो अपने हाथ से निकाल दो। ओके जिम मिशन क्लियर। चलो गाइस मैं अंदर चला गया हूँ, अब देखते हैं गाइस गॉडी के पास कौन कौन से पोकेमॉन्स होने वाले। क्या इसके पास ऑनिक्स वोनिक्स भी है, स्टीलिक्स होगा शायद से ना। ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं। ओ ये जिम तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप है। ओ ये देख सकते हो, ओ काफी स्टाइल, ओ भाई ये काफी स्टाइलिश है सही में ब्रो। ऑलराइट गाइस देख सकते हो, ओ हे डर नेम्स गॉडी। ओके आई एडमिट आई फील ए बैड फॉर डूइंग दिस टू ए जिम चैलेंजर, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस मैच टू स्लो द क्राउड दैट माई पोकेमॉन आर अनबीटेबल। तो देखते हैं गाइस अभी क्या होता है। ऑलराइट गाइस ये थोड़ा सा ताकतवर लग रहा है ब्रो, अल्ट्रा बॉल यूज करेगा गाइस। पहला पोकेमॉन ही अल्ट्रा बॉल में है तो पता नहीं। बर्बिकल, ओके गाइस ये वाला पोकेमॉन, गाइस ये पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो बिगिनिंग फॉर्म है वो मेरे पास है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। अभी गाइस बर्बिकल वर्सेस ड्रेडनो होने वाला है, तो बर्बिकल को मैं फटका। एक मिनट गाइस, ये खुद तो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है ना, लिक्विडेशन यूज करके भी कोई फायदा तो होगा नहीं ना। चलो गाइस लिक्विडेशन ही यूज करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं इसको कितना फर्क पड़ेगा। दिया मैंने इसको फटका, ओ थोड़ा सा रह गया। ये सेल स्मैश यूज कर रहा है गाइस, सेल स्मैश यूज कर रहा है। ओके इससे इसका आई थिंक गाइस इसका डिफेंस फेल हो गया, बट एक चीज इंक्रीज हो जाएगा, अटैक इंक्रीज हो गया ना इसका। यस गाइस अटैक इंक्रीज हो गया, स्पेशल अटैक भी राइज हो गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो इसका मतलब गाइस मैं अभी रॉक स्लाइड यूज करके, ओ रेजर शैल यूज कर, लेकिन डोडो अटैक कैसे, डोडो अटैक। अरे मेरे को एक मौका मिलना चाहिए था ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तू तो हारेगा ब्रो। रॉक स्लाइड यूज़ करा मैंने इसके ऊपर, गया गाइस। ओ गाइस रॉक स्लाइड से मैंने इसको मतलब जैसे तैसे हराया है ब्रो। इसका एचपी कितना धीरे से डाउन हो रहा था आप लोगों ने खुद से देखा ना। ऑलराइट गाइस लेवल अप हो चुका है, गैलोपा लेवल 50 पहुंच चुका है। अब देखते हैं दूसरा वाला पोकेमॉन गॉडी का कौन सा होने वाला है।
शक्ल को भेज रहा है गाइस। अच्छा, शक्ल के साथ मैं डेफिनेटली स्विच करूंगा। और एक काम करते हैं, ग्लेली को मौका दूं क्या? एक ग्लेली को मौका दे सकते हैं गाइस, ग्लेली को मौका दे सकते हैं। चलो गाइस, एक ग्लेली को एक मौका देते हैं, ठीक है? जाओ ग्लेली, जाओ दिखा दो गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस टाइप पोकेमॉन है, आप सभी भाइयों को पता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस टाइप पोकेमॉन है। एंड गाइस, ग्लेली का एक मेगा इवोल्यूशन फॉर्म भी है, और वो तो भाई कतई खतरनाक दिखता है। उसका मुंह तो एकदम बाहर की तरफ आ जाता है भाई। ओके, शक्ल को बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, तो शक्ल के ऊपर मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइस, फ्रॉस्टबाइट यूज़ करूँ क्या? ओके चलो, फ्रॉस्टबाइट ही यूज़ किया मैंने। अब देखते हैं गाइस, ये बर्फ बन जाएगा कि नहीं। इसको फ़र्क पड़ा लेकिन इतना भी नहीं गाइस, क्रिटिकल हिट तो शो कर रहा है बट इतना फ़र्क नहीं पड़ा। रॉक टूम यूज़ कर रहा है मेरे ऊपर, सुपर इफेक्टिव मूव है, लेकिन ग्लेली है एक स्ट्रॉन्ग आइस टाइप पोकेमॉन, तो इसको भी थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा। ऑलराइट गाइस, मैं एक काम करता हूँ मैं, अरे यार फ्रॉस्टबाइट, अरे फ्रॉस्टबाइट यूज़ कर दिया नया मैंने गलती से। चलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को एक्चुअली यूज़ करना था आइसी विन, ठीक है? ये रॉक टूम फिर से यूज़ कर रहा है, सुपर इफेक्टिव मूव, लेकिन ग्लेली को इतने आसानी से तुम हिला नहीं पाओगे मेरे भाई शक्ल, ठीक है? हिला नहीं पाओगे इसको। ऑलराइट गाइस, आईसी विन यूज़ करते हैं। अब आईसी विन यूज़ करेंगे। यस यस यस, आई थिंक अब तो ये बर्फ बन ही जाएगा। अभी तक ये बर्फ क्यों नहीं भाई, ये फ्रोज क्यों नहीं हुआ ब्रो? पता नहीं क्यों फ्रोज नहीं हुआ। रॉक तुम फिर से यूज़ कर रहा है, एक ही मूव को बार बार यूज़ कर रहा है ये। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, सुपर इफेक्टिव तो पड़ रहा है, और ऊपर से गाइस मेरा स्पीड भी फेल हो रहा है, ठीक है? स्पीड भी फेल हो रहा है। ऑलराइट गाइस, एक काम करते हैं, बाइट यूज़ करके रॉक टाइप पोकेमॉन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो चलो गाइस फ्रॉस्ट ब्रेथ ही यूज़ करना पड़ेगा मेरे को दोबारा से। ऑलराइट गाइस, मैंने फ्रॉस्ट ब्रेथ यूज़ करा इसके ऊपर। ओके, इसको फटका पड़ा लेकिन इतना नहीं गाइस जितना पड़ना चाहिए था, ठीक है? फिर से रॉक टूम यार, ओ भाई, कोई और अटैक भी यूज़ कर ले। आई थिंक गाइस, शक्ल को मैं इस बार हरा दूंगा, डेफिनेटली गाइस इस बार तो शक्ल को हरा ही दूंगा। तो एक काम करते, फ्रीज ड्राई, अरे फ्रीज ड्राई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीज ड्राई यूज़ करा तो करा गाइस मैंने। ओके गाइस, हार गया है गाइस, हार गया है, हरा दिया है मैंने गाइस शक्ल को। अब शायद से इसका जो अगला पोकेमॉन होने वाला है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है गाइस, वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, डेफिनेटली गाइस वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। स्टोन ज्यूनर गाइस, मैंने इस पोकेमॉन को कभी पहले देखा नहीं है, नहीं कभी पहले देखा नहीं और नाम भी नहीं सुना है, तो डेफिनेटली गाइस रियोलो को भेजो क्या? अच्छा, रियोलो को भेज सकते हैं गाइस, रियोलो को भेज सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आज तो इसको लुकारियो भी बनाना है ना। यस गाइस, जाओ रियोलो, जाओ, आ गया है गाइस रियोलो। अब मजा आने वाला है गाइस, अब मजा आने वाला है। ओके, आ गया स्टोन ज्यूनर। ये कौन सा पोकेमॉन है? कसम से गाइस, मैंने इस पोकेमॉन को पहले लाइफ में देखा ही नहीं। ये गैलारियन का पोकेमॉन है क्या? ओ, यहाँ पे तो एक, ये तो एक रॉटम ड्रोन है ना। गाइस चलो गाइस, ये रॉक टाइप पोकेमॉन है, तो गाइस मैं इसके ऊपर अभी फाइनल गैम्बिट यूज़ करके कोई फायदा तो होगा नहीं, रिवेंज यूज़ करते हैं गाइस। अगर ये रॉक टाइप पोकेमॉन है तो इसको फटका बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। रियोलो के ऊपर रॉक तुम का कोई असर नहीं होगा ब्रो, तो गाइस मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ रिवेंज। कम ऑन रियोलो, तुम कर सकते हो, इसको दिखा दो कि तुम कौन हो। या गाइस, वन शॉट बोलते, बहुत बढ़िया खेल रहे हो ब्रो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो यार रियोलो, क्या ही बोलूँ तुम्हारे बारे में यार। तुम लुकारियो का मतलब छोटा सा इवोल्यूशन फॉर्म, मतलब क्या बोल रहा हूँ गाइस, तुम यार छोटू हो अभी, तुम लुकारियो में बदलने वाले हो, लेकिन छोटू रियोलो ने ही दिखा दिया गाइस। अब इसका लास्ट पोकेमॉन आने वाला है, देखते हैं इसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। कोलोसेल, गाइस मजा आने वाला है गाइस, क्या मुझे भी अपने कोलोसेल को लेना चाहिए? कोलोसेल वर्सेस कोलोसेल कराओ क्या? चलो गाइस, कोलोसेल वर्सेस कोलोसेल ही कराते हैं, मजा आने वाला है गाइस। ओके, आ गया है गाइस कोलोसेल, मेरा कोलोसेल भी आ गया और इसका कोलोसेल भी आएगा। तो ओके गाइस, ये तो अभी डायनामिक्स बैटल करने वाला है, नॉट येट, आई एम नॉट क्रम्बलिंग टू डस्ट जस्ट येट, वी कैन स्टिल बैटल। ओके, जिम लीडर गॉडिस एंड और कोलोसेल, तो गाइस देख सकते हो इसके पास भी कोलोसेल है और मेरे पास भी कोलोसेल है, तो गाइस यहां पे कोलोसेल बैटल होने वाला है। तो गाइस ये डेफिनेटली गाइस अभी डायनामिक्स करने वाला है, तो मैं भी ब्रो डायनामिक्स करने वाला हूं, और देखते हैं किसका कोलोसेल सबसे ज्यादा बेटर है, लाइक ए जायंट माउंटेन बोल्डर, जाइगेंटामैक्स कोलोसेल। ये म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है गाइस, एक मिनट थोड़ा सा साउंड बढ़ा देता हूँ, आप लोग को सुनने में आएगा, सुन रहे हो गाइस? ये म्यूजिक अच्छा लगता है ना गाइस। ओ गाइस, ये जाइगेंटामैक्स कोलोसेल ऐसा दिखता है क्या ब्रो? मैंने आज तक अपने कोलोसेल को जाइगेंटामैक्स नहीं किया था, ओ इतना भयानक दिखता है, मेरे को पता नहीं था। ओ मजा आने वाला है गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ओके, मेरा भी कोलोसेल आ चुका है गाइस बैटल ग्राउंड में। ओके गाइस, ये मेरा कोलोसेल थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है यार, ये कैसे हो सकता है?
नहीं, आप लोग देख सकते हो इसका कोलोसल एकदम ही अलग दिखाई दे रहा है, एकदम ही अलग दिखाई दे रहा है। साइज मीन स्ट्रेंथ, सेवर दिस पेन। ओके गाइस, इसने कुछ यूज करा जाइगेंटा मैक्स, ये क्या है? मैंने देखा नहीं इसका अटैक। ओ मेरे को फटका पड़ा ब्रो, अब मैं भी उसका, इसका कोलोसल अलग क्यों दिखाई दे रहा है गाइस? पता नहीं गाइस इसका कोलोसल अलग क्यों दिखाई दे रहा है, आप लोग मेरे को बोलेगा, लेकिन मैं भी सेम अटैक ही यूज कर रहा हूँ। मैक्स रॉक फॉल गया गाइस, ओ इसको फर्क ज्यादा पड़ा गाइस। ओ भाई देखा मेरा कोलोसल कितना ज्यादा ताकतवर है, देख सकते हो गाइस सैंड स्टॉर्म अराइज हो गया है। ओके अब मैं दोबारा से यूज करने, ओ मैक्स क्वैक यूज करता हूँ इस बार, चलो इस बार मैक्स क्वैक यूज करता हूँ ग्राउंड टाइप अटैक। ओके गाइस ये मैक्स रॉक फॉल दोबारा से यूज कर रहा है मेरे ऊपर। ओके गाइस इसने मेरे को फटका तो दिया, लेकिन इसका कोलोसल अलग क्यों है ये मेरे को जानना है यार। मैक्स क्वैक यूज करा मैंने इसके ऊपर, अब तो इसको फर्क पड़ेगा ब्रो, तू हार ही जाएगा शायद से। यस, ओ नहीं हरा पाया ब्रो, नहीं हरा पाया मैंने इसको, इट्स सुपर इफेक्टिव बट थोड़ा सा रह गया यार। आई थिंक इसका कोलोसल मेरे को हरा देगा क्या, आई डोंट नो गाइस, अब तो मेरे को दर्द सा लग रहा है। मैक्स गार्ड यूज करो क्या, मैक्स गार्ड यूज करते हैं चलो गाइस। ओके गाइस मैंने मैक्स गार्ड यूज करा, अब शायद से ये मेरे को फटका नहीं दे पाएगा, देखते हैं गाइस। ओके गाइस मैंने गार्ड यूज कर डाला, ऑल राइट ओ ओ गाइस ये छोटू बन गया, इसका कोलोसल छोटू में बदल गया है, ठीक है। ओके मैं भी छोटू बन गया हूँ गाइस, मैं भी छोटू बन गया हूँ, तो ये तो भाई ऑसम बैटल हो रहा है ब्रो, ये तो काफ़ी ऑसम बैटल हो रहा है। तो गाइस एंशियंट पावर यूज कर, और चलो एंशियंट पावर यूज करते हैं इसके ऊपर, लेकिन शायद से ये मेरे को हरा देगा गाइस, आई डोंट नो, नहीं हरा पाएगा शायद से, नहीं हरा पाएगा गाइस, डेफिनेटली नहीं हरा पाएगा, क्योंकि गाइस इसने स्टेल रॉक यूज करा ना, एंड मैंने गाइस एंशियंट पावर यूज करा, तो ये तो फटका पड़ेगा इसको, एंड गाइस मैंने हरा दिया गाइस, मेरा कोलोसल बेटर है गाइस, मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरे कोलोसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चलो गाइस मज़ा आ गया लेकिन है। ओके गाइस लेवल 48 का हो चुका है सिंड्रेस, एंड गाइस मुझे बहुत फास्ट तरीके से सिंड्रेस को लेवल अप करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो गाइस मेरा कोलोसल कितना ज़्यादा खुश है, और ये क्या बोलेगा, लेट्स लिसन टू हिम। आई जस्ट वांट टू क्लाइम इनटू ए होल, वेल आई गेस इट वुड बी मोर लाइक फॉलिंग फ्रॉम हियर, यू गॉट 6724 विनिंग। ओके गाइस अभी मुझे बैज मिलने वाला है, ये है गाइस बैज, रॉक टाइप बैज, डैट वॉज इम्प्रेसिव। ओके रूल्स आर रूल्स, हियर टेक दिस रॉक बैज गाइस, मिल चुका है मुझे रॉक बैज, यस गाइस फाइनली 6 नंबर बैज भी मुझे मिल चुका है, देख सकते हो ये ऐड हो चुका है। अभी गाइस बस दो ही बैज बाकी है। यू कैन कैच पोकेमन अप टू लेवल 50, अब तो गाइस जाएंगे वाइल्ड एरिया में, वहाँ पे गाइस मैं स्टीलिक्स को पकड़ने वाला हूँ, एंड बहुत सारे पोकेमन को पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। ओह राइडन को भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन इस बार शायद से मैं राइडन को नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि इस बार मुझे गला रीजन के पोकेमन नहीं चाहिए, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ डोंट वरी अबाउट मी, आई जस्ट नीडेड टू ट्रेन हार्डर, दैट्स ऑल। अच्छा इसको और ट्रेन करना है, तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो यार गॉडी। ऑलराइट गाइस, एज सेलिब्रेशन ऑफ योर विक्टरी ओवर गॉडी, टेक दिस टीम, कौन सा वाला टीम मिला, रॉक टूम। ओके यू पुट TM48 इन योर बैग्स TM पॉकेट, ओके एंड हियर इज अ स्पेशल यूनिफॉर्म, इट्स द सेम डिजाइन दैट गॉडी वेयर्स एंड दैट मीन्स इट्स एक्स्ट्रा कूल। ओके तो गाइस मिल चुका है मुझे रॉक यूनिफॉर्म, तो गॉडी का यूनिफॉर्म हम लोग डाल लेंगे, ठीक है। पहले तो बोटिक में जाएंगे, वहां पे बैग वैग लेंगे। तो गाइस मुझे मिल चुका है जिम बैच, 6 नंबर ऑफ जिम बैच। ओह मैं जिम के बाहर आया ही था, एंड यहाँ पे तो सोनिया ऑलरेडी मौजूद थी। दैट बैटल वॉज ब्रिलियंट, दैट जिम लीडर वॉज टफ बट यू हैड नो ट्रबल, थैंक यू सो मच सोनिया। सर्केस्टर हैज सम रियली ग्रेट रेस्टोरेंट्स, ओके आई गॉट सम थिंग्स आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट, सो लेट्स हेड टू ए रेस्टोरेंट टू सेलिब्रेट योर विन। ओके तो साइकिल निकाल लेते हैं गाइस, और फटाक से जाएंगे। ओह रे यार फटाक से नहीं जा पाया। ओके एक मिनट, इस बंडे के साथ बात करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभार ना ये अकेला अकेला बंडा बहुत कुछ दे देते हैं भाई। आई वॉच द जिम लीडर्स मैसेज ऑन द जायंट टेली इन स्टेडियम, ओके लेट्स गो। अरे क्या हो गया ये, ऑलराइट ओ ये यहाँ पे एक बंदा था ना, वो अचानक से कैसे गायब हो गया भाई, भूत था क्या वो? चलो गाइस चलते हैं अंदर। ओके गाइस देख सकते हो यहाँ पे हॉब भी है, सोनिया भी है, और मैं भी, इन लोग को ज्वाइन कर दिया अभी। गॉट दैट जिम बैच बोल्ट, नाइस वन। ओके ओ हे डियर यू आर, ओके आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डार्केस्ट डे एंड द स्वॉर्ड एंड शील्ड पोकेमन बट स्टिल नो लक। ओके देख सकते हो यहाँ पे वो दोनों महाराज का फोटो लगा हुआ है, मतलब पोर्ट्रेट लगा हुआ है। वेट होल्ड ऑन, कुछ मिला शायद से, क्या मिला? ओ मेरे को भी दिखाई दिया, देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक स्वॉर्ड है, देख सकते हो गाइस जो नीला वाला राजा है उसके पास एक स्वॉर्ड है, और जो रेड कलर पहना हुआ राजा है उसके पास देख सकते हो शील्ड है। तो सोनिया को लग रहा है कि हाँ
इन दोनों के पास अलग अलग पोकेमॉन्स थे, स्वॉर्ड और शील्ड. ए न्यू चैप्टर इन द ओल्ड गलार लेजेंड्स, ए फिफ्थ टेपेस्ट्री एंड एब्सोल्यूट फैंटास्टिक वर्ल्ड. ए न्यू चैप्टर इन द गलार लेजेंड्स. ओके, द हीरोज लुक सैड एंड वेयर आर द स्वॉर्ड एंड शील्ड. ओके गाइज, तो इस पोर्ट्रेट में दिखाया गया कि ये जो दो हीरोज हैं ये बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं इस फोटो में. ओके, व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर. ओके, एंड एंड टू द लेजेंड सम काइंड ऑफ सील. चलो पूछते हैं, सम काइंड ऑफ सील. ठीक है, यू थिंक सो, आई गेस इट कुड बी डैट दे वेयर सील्ड अवे और मे बी दे हैव गॉन इनटू सम काइंड ऑफ स्लीप. आई डोंट नो गाइस. Based on those statues we saw back in store on side the sword and shield were actually two Pokemon, right? हाँ, हब को तो ये बारे में पता है. That's right, that's my take on it at least. Okay, you remember the Pokemon we met that day? हाँ, मुझे याद है यार, जशियन से मिला था मैं. ये हब मेरे को ही पूछ रहे. Do you think it could have been one of them, either the sword or the shield Pokemon? हाँ, sword Pokemon जशियन था वो. You met them, Sonia? मैंने तो बोला था तुमको सोनिया, slumbering well में जाओ, वहाँ पे जशियन तुमको दिखाई देंगे. तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, कम ऑन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट बोल, इन द स्लम्बरिंग व्हील. यस, इन द स्लम्बरिंग व्हील. ओके, एग्जैक्टली, द मैड पोकेमॉन वी रैन इन टू द फॉग, डोंट यू थिंक दैट कुड हैव बीन इट. डोंट यू थिंक दैट कुड हैव बीन इट. ओके, ओ दैट्स राइट, यू लॉट हैव बीन इन द स्लम्बरिंग व्हील. ओके, आई ओनली स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी बिकॉज माई ग्रैंड टोल्ड मी टू, बट दिस इज टर्निंग आउट टू बी टू मच फन. You have got to tell me more. Okay, bolenge. How about we discuss this over a meal? Go on. What do you want to eat? Let's get our orders in. तो guys, हम लोग कुछ बढ़िया खाने वाले हैं. ठीक है, सीरियसली गाइज, इन लोग को खाते वक्त देख, मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लगेगा. तो देख सकते हो गाइज, खाना तो हो ही गया, मेरे को दिखाया नहीं यार. तुम लोगों ने क्या खाया, मेरे को क्यों नहीं दिखाया यार. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फैसिनेटिंग. ऑल राइट, द नेक्स्ट थिंग टू डू नाउ डैट वी आर डन ईटिंग इज टू हैव अ लुक अराउंड सर्केस्टर. ओके, लेट्स इंस्पेक्ट द हीरोज बाथ. हीरोज बाथ, हीरोज बाथ मतलब गाइस जहाँ पे हीरो ने नहाया था उस जगह को हम लोग को देखना पड़ेगा क्या. ओ, यहाँ पे नहाया था, ये हॉट स्प्रिंग में हीरो नहाया था. अरे वाह गाइस, बढ़िया है यार. ओके गाइस, तो अब क्या होने वाला है, लेट्स सी आगे के स्टोरी में. द हीरोज बात. ओके, दे सेड दिस इज वेयर द टू हीरोज केम टू सूट देयर वंस आफ्टर द बैटल टू ब्रिंग. अच्छा गाइस, यहाँ पे जब उन लोग को घाव लगता था तो यहाँ पे वो लोग बांध लिया करते थे, मतलब नहाया करते थे. और फिर ओ गाइस, ये थोड़ा सा मेरे को, आप लोगों ने सीक्रेट ऑफ द जंगल देखा कि नहीं गाइस, वहाँ पे एक जादुई पानी था. जादुई मतलब पानी नहीं है, क्या बोल रहे हैं, जादुई तालाब जैसा भी बोल सकते हो. वहाँ पे जब एक पोकेमॉन को चोट लगता है, जब वो पोकेमॉन उस पानी में जाता है तो तुरंत गाइस मतलब चोट गायब हो जाता है गाइस. स्प्रिंग ऑफ कुछ था, मैं भूल गया नाम. हम हु एग्जैक्टली वेयर द हीरोज दैट बाथ हियर. ओके, आई थिंक आई विल हैव टू लुक इन टू दैट. ओके, तो कैसे ढूंढोगे यार, तुम्हें पास में जाना पड़ेगा इसके लिए. You two met a mysterious Pokemon back in the slumbering well. Perhaps you two can become new heroes. Oh, हाँ यार, हाँ अभी हम दोनों heroes बन सकते हैं ना. Hop लेगा shield और मैं लूँगा sword. तो मैंने बोला था ना guys, Hop ये बोल रहा है कि मैं shield ही choose करता अगर मेरे को मतलब pick करने का मौका मिलता. तो मतलब ये shield Pokemon ही use करता. Okay. What kind of battle do you think the heroes had back then? Okay. ये भाई, ये इसने मेरे को बोला था ना, ये मेरे साथ पंगा लेगा, मतलब एक पोकेमॉन बैटल करेगा जब मैं जिम बैटल को जीत लूँगा. तो शायद से गाइस फिर से इसके साथ बैटल करना पड़ेगा. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मज़ा आने वाला है. सोनिया ट्वीटेड अस टू अ ग्रेट मील आफ्टर दैट करी. आई फील लाइक आई हैव गॉट दैट एनर्जी टू रेसल ए बीवेयर. आई थिंक गाइस इसने बीवेयर को पकड़ लिया क्या. आई डोंट नो गाइस, आई डोंट एंटायरली अंडरस्टैंड योर रीजनिंग, बट आई माइट जस्ट एज वेल सी व्हाट यू कैन डू. ओके सोने भी हमारे बैटल को देखने वाली है, तो मजा आने वाला. आई विल हील अप योर पोकेमॉन फॉर यू बोल्ट, सो गिव इट योर बेस्ट. ओके चलो, तो हील अप भी मिल चुका है गाइस, एंड अभी हम लोग हॉप के साथ बैटल करने वाले हैं. टाइम फॉर ए लिटिल एग्जीबिशन मैच स्टार्टिंग द फ्यूचर चैंपियन. ओके गाइस, तो स्नो एरिया में हम लोग फाइट करने वाले हैं हॉप के साथ, तो मजेदार होने वाला है ये बैटल गाइस. तो देखते हैं दुबवॉल. अच्छा गाइस, ओ इसका वुलू इवॉल्व हो गया है गाइस, दुबवॉल बन चुका है. अच्छा मेरे तरफ से लॉक जॉ जा रहा है, तो देखते हैं. आई एम काउंटिंग ऑन यू पार्टनर. ओके, तो इस लेवल 40 का हो गया, वाओ गाइस. और इसका वूलो एकदम गाइस, इसके पास जब से ग्रॉकी नहीं था तब से गाइस इसके पास वूलो था. कौन सा रॉक तुम यूज़ करो क्या, नहीं रॉक स्लाइड यूज़ करते हैं दुब बॉल के ऊपर. चलो यस, लगा फटका, अनवांटेड शॉट बोल दिया यार.
ड्रेडनो ने भी वन शॉट बोल दिया यार। अरे वाह ड्रेडनो, चलो देखते हैं कि ओ गाइस ग्लेली ग्रू टू लेवल 43। ओके अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। ओके गाइस मेरे को स्नो से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, रिलाबूम को भेज रहे। तो गाइस एक काम कर रहे, रिलाबूम के अगेंस्ट ना मैं ग्लेली को भेजता हूँ क्योंकि वो तो एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है और मैं आइस टाइप पोकेमॉन को भेजने वाला हूँ और आइस टाइप आर सुपर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ग्रास टाइप पोकेमॉन। जैसे गाइस फायर टाइप आर सुपर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ग्रास टाइप पोकेमॉन, उसी तरीके से गाइस आइस टाइप पोकेमॉन भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। ठीक है एंड रिलाबूम पोकेमॉन मेरे को काफ़ी कूल लगता है। तो चलो गाइस फ्रॉस्ट ब्रेड यूज़ करते हैं और एक ही फटके में रिलाबूम को हराने की कोशिश करेंगे। ठीक है अभी मेरे को हेल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसने ब्रेक ब्रिक यूज़ किया यार, ब्रिक ब्रेक से मेरे को काफ़ी फटका दिया भाई। ओके अब ये जाने वाला है गाइस, फ्रॉस्ट ब्रेड यूज़ कर भाई ग्लेली कमान। ओके गाइस यूज़ करा मैंने फ्रॉस्ट ब्रेड, गया गाइस ये गया वन शॉट, वन शॉट नहीं बोल पाया गाइस। ओके नाउ डेट्स अ प्रॉपर मूव। ओके ऑल राइट ए क्रिटिकल हिट, अब स्टडी ऑन पार्टनर आई फील योर पेन एंड वील गेट डैम बैक फॉर इट। ओके ओ गाइस मैं हार गया यार, रिलाबूम ने मेरे को हरा दिया। अरे मारे यार, मार दिया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, ग्लेली तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अरे गाइस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, इसने एक आइस टाइप पोकेमॉन को आइस एरिया में ही हरा दिया। चलो गाइस, ओह नहीं 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 गाइस आज मैं रियोलो को भेज रहा हूँ क्योंकि गाइस आज मुझे इसको लुकारियो बनाना ही बनाना है। ठीक है डेफिनेटली गाइस इसको तो आज लुकारियो बना के ही छोड़ेंगे ब्रो। एक काम करते रिवेंज यूज़ करूँ क्या, रिवेंज यूज़ करते थोड़ा सा ही हेल्थ बचा है ना। अरे यार इसने हाइपर पोशन यूज़ कर डाला गाइस, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, कमान रियोलो तुम कर सकते हो यार, तुम छोटू हो लेकिन तुम छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो। यस गाइस अब दोनों को लगेगा फटका, इसको भी लगा फटका और मेरे को भी लगा फटका। अब गाइस चलो दोबारा से यूज़ करते रिवेंज। ओके हैव अ टेस्ट ऑफ अ ट्रू पावर, आवर ग्रीन पावर जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। ओके रिलाबूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया है गाइस, ड्रम बीटिंग यूज़ कर रहा है गाइस। ओह नो गाइस, अरे बाप रे क्या ही पीटा है मेरे को यार, चलो गाइस मैंने दोबारा से रिवेंज यूज़ करा रिलाबूम को। ओरे भाई साहब रियोलो ओपिन द कमेंट सेक्शन गाइस, इसने हरा दिया गाइस फाइनली। अब देखते हैं गाइस, ओ गाइस कोलोसल लेवल 44 का हो चुका है, रियोलो अभी भी लेवल 69 में है और उसको लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सारा मिला गाइस। ओ गाइस दूसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, लेट्स सी क्या रियोलो फाइट कर पाएगा। ओके कॉर्विनाइट, कॉर्विनाइट ना, एक काम करते हैं कीप करेंट पोकेमॉन ही करते हैं। ठीक है कीप करेंट पोकेमॉन ही करते हैं। चलो रियोलो प्लीज़ दिखा दो तुम क्या चीज़ हो। ठीक है ऑल राइट गाइस, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि कॉर्विनाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, एंड बट आई थिंक गाइस आई एम गोना यूज़ रिवर्सल यूज़ करूँ क्या, नहीं गाइस फाइनल गैम्बिट यूज़ नहीं करेंगे गाइस। अगर फाइनल गैम्बिट यूज़ करूँगा तो मेरा खुद का रियोलो फेंट हो जाएगा, इसने ड्रिल पैक यूज़ करा ग्राउंड टाइप मूव और मैं फेंट हो जाऊँगा गाइस। अरे मैंने बोला था ना गाइस कॉर्विनाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। चलो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया तुमने छोटू सा रियोलो। तो गाइस मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को भेजने वाला हूँ बैटल ग्राउंड में। आ गया है गाइस सिंड्रेस, अभी बजाने वाला है इसका, पोकेमॉन का अभी बजाने वाला है। एंड गाइस मैं यूज़ करने वाला हूँ पायरो बॉल और ये स्टील फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है तो वन शॉट तो आराम से बोल पाएंगे ब्रदर, वन शॉट। यस गाइस वन शॉट बोल्टे सिंड्रेस ओपीआर, सीरियसली बहुत ज़्यादा ओपीआर। ओके अब देखते हैं इसका अगला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है क्योंकि ये पोकेमॉन को चेंज करते रहे। एंड इसने बीवेयर बोला था ना, शायद से इसने बीवेयर को पकड़ लिया क्या। ओके अरे नहीं 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 पोकेमॉन स्विच नहीं करना, इसके पास एक अलग पोकेमॉन है पिनकुर किम। व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, पता नहीं ये क्या चीज़ है लेकिन गाइज मैं बाउंस यूज करने वाला हूँ। ओके सिंड्रेस अभी ऊपर चला जाने वाला है, ये मैं ऊपर चला गया हूँ। अब पिनकुर किम था ना बबल भी, ओ पिन क्या 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 नाम एक बार देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको पिनकुचिन। ओके पिनकुचिन लेवल 39 का है, देखते हैं बाउंस से इसको कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या वन शॉट बोल पाएंगे सिंड्रेस। वो अवॉइड कर दिया यार मेरे अटैक को, कर्स यूज कर रहा है गाइस, ऑल राइट गाइस अभी शायद से इसका स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस राइज हो जाएगा। ओ अटैक राइज हो गया, यस 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 डिफेंस, ओ हाँ डिफेंस भी राइज हो गया, दोनों को हेल्थ स्टोन से फर्क पड़ रहा है। तो गाइस मैं दोबारा से बाउंस ही यूज करने वाला हूँ इसके ऊपर, चलो क्योंकि गाइस ये तो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। चलो ऊपर चला गया हूँ मैं, अब देखते हैं गाइस इसको कितना फर्क पड़ेगा।
स्पार्क यूज करा गाइस। अरे बाप रे गाइस, आई थिंक ये इलेक्ट्रिक टाइप वाटर है, वाटर इलेक्ट्रिक टाइप होगा शायद से। यस 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 यस, नहीं तो कैसे स्पार्क यूज कर पाता गाइस। चलो गाइस बाउंस, इस बार तो लग जा बाउंस। ओ लगा, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मेरे को ही फर्क पड़ा शायद से, क्योंकि देख सकते हो ये पोर्क्यूपाइन जैसा है। तो गाइस और यार पैरालाइज हो गया ना मैं। अरे यार ऊपर से, लेकिन मुझे भरोसा है अपने सिंड्रेस के ऊपर, ये पिन कुर्किम को तो हरा पाएगा ही ब्रो। मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइस अभी पायरो बॉल। चलो देखते हैं गाइस, कम ऑन सिंड्रेस, तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अरे अवॉइड कर दिया यार, यार इसका पिन कुर चीन बहुत ज़रा स्ट्रांग निकल रहा है यार, बहुत ज़रा स्ट्रांग निकल रहा है यार। मेरे को लगा नहीं था कि ये इतना स्ट्रांग बनेगा, इतना स्ट्रांग बनेगा मेरे को लगा नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यार पिन कुर्चिन। इसका इवोल्यूशन फॉर्म क्या है वो भी देखना पड़ेगा। आई थिंक ये कला रीजन का पोकेमॉन होगा। ओके तो गाइस मैं दोबारा से यूज़ करने वाला हूँ पायरो बॉल। अब देखते हैं गाइस, अब देखते हैं, लेट्स सी गाइस। यस वन शॉट बोल पाएंगे, डेफिनेटली गाइस वन शॉट बोल पाएंगे। यस 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 वन शॉट बोल लिया गाइस। उफ गाइस सिंड्रेस ने दोबारा से बचा लिया गाइस। थैंक यू सो मच सिंड्रेस, थैंक यू सो मच। ओके गैलोपा ग्रो टू लेवल 51। धराधर करके मेरे पोकेमॉन्स लेवल अप हो रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं यार। ऑलराइट स्नोरलैक्स को भेज रहे हैं गाइस। स्नोरलैक्स के अरे कीप करंट पोकेमॉन नहीं करना था यार। अरे यार गाइस स्नोरलैक्स को भेज दिया ना इसने, गलत ही सीन हो गया, क्योंकि मेरे को सीरियसली गाइस स्नोरलैक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं सिंड्रेस पायरो बॉल से कितना डैमेज देता है स्नोरलैक्स को। ओके ओ बहुत ज़्यादा डैमेज दिया यार, बॉडी स्लैम यूज़ करें शायद से मैं फेंट हो जाऊंगा। ओ नहीं हुआ फेंट गाइस, ओ हेल स्टोन से हो जाऊंगा शायद से। नहीं नहीं अभी भी 6 HP बाकी है, तो देखते हैं गाइस दोबारा से मैं पायरो बॉल यूज़ कर रहा हूँ, क्या स्नोरलैक्स को भी हरा पाएगा सिंड्रेस। डेफिनेटली हरा पाएगा गाइस, सिंड्रेस ने प्रूफ कर दिया कि वो मेरा सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन है गाइस। स्नोरलैक्स को भी हरा दिया यार, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया गाइस। शायद से मैंने हॉप को हरा ही दिया, देखते हैं अभी किसको कितना एक्सपी पॉइंट्स मिला है। अरे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया यार तुमने यार सिंड्रेस, देखा ना गाइस 6 HP रह गया था, फिर भी गाइस सिंड्रेस ने करके दिखाई यार। आई स्टिल कैन इवन बीट यू माय ट्रू राइवल, बट आई थिंक आई एम स्टार्टिंग टू सी द लाइट। यू गॉट 4924 विनिंग। ओके अभी सोनिया बोले थैंक्स, यू टू हैव गेव अ राइट प्रॉपर बैटल एट द रेट यू बोथ आर गोइंग, इवन द अनबीटेबल लियोन में भी इन ट्रबल। मतलब बोले तुम लोग जिस पेस के साथ आगे बढ़ रहे हो, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि लियोन को भी खतरा है, ठीक है फ्यूचर में। ओके सो व्हाट्स नेक्स्ट यू टू, आई प्लान टू लुक इन टू थिंग्स इन द स्लम्बरिंग वर्ल्ड। ओके आई एम गोइंग टू कीप चैलेंजिंग द जिम। ओके देन वंस आई गेट दैट जिम बैच आई विल बी हेडिंग टू रूट 9 टू टेक ऑन स्पाइक मट नेक्स्ट। स्पाइक मट जगह का नाम है कि क्या है भाई, जगह का नाम ही होगा। ओके सीम्स लाइक ही फाइनली शुक ऑफ दैट ग्लूम लियोन वुड वरी इफ हॉप वॉजन्ट फीलिंग ऑल राइट। हाँ हॉप अभी एकदम पहले की तरह बन गया है गाइस, ठीक है एकदम नॉर्मल बन चुका है। एज हिज राइवल यू वुडन लाइक इट ईदर राइट, सी या बाय बाय सोनिया। Approximately 10 hours later. तो गाइस जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था कि आज तो रियोल को मैं लुकारियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे पहले सारे के सारे पोकेमॉन को बैग में डाल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं गाइस, पहले सारे के सारे पोकेमॉन को मैं इधर से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ओके सिंड्रेस को भी रख दिया मैंने, अभी सिर्फ रियोलू है। अभी गाइस मैं दोबारा से कैंप बिछाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैंप बिछा के मैं गाइस सिर्फ और सिर्फ रियोलू को प्यार करने वाला हूँ, ठीक है। उसका हैप्पीनेस लेवल बनाना पड़ेगा गाइस, उसका हैप्पीनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और टूरन वो इवॉल्व हो जाएगा। पहले तो नहीं इसी के साथ खेलते हैं, आ जाओ रियोलू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रियोलू 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 रियोलू। ये सुन ही नहीं रहा है भाई, देख सकते हो एक मिनट, इसको सीटी बजा के लाना पड़ेगा। आ जाओ रियोलू पास में आ जाओ, हाँ हाँ मेरे पास आ जा भाई। ओके अब तुम्हें खेलना पड़ेगा मेरे साथ, मारो इसको, मारो 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 दोस्त। क्या हो गया, नहीं मारोगे क्या, मारो। यस नाइस वन, मारो 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 मारो, ये बहुत अच्छा, फिर से मारो 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 मारो। इसको लुकारियो बना के ही छोड़ेंगे गाइस आज तो। ये देख सकते हो गाइस रियोलू बहुत ज़रा खुश महसूस कर रहा है गाइस, देख सकते हो इसका हैप्पीनेस लेवल फुल हो गया गाइस, इसका हैप्पीनेस लेवल फुल हो चुका है। ये गाइस इसका हैप्पीनेस लेवल फुल हो चुका है एकदम गाइस, ये देख सकते हो अभी इसको भूख लग रहा है, अभी इसको भूख लग रहा है। चलो इसको कुछ खिलाते हैं। ओ गाइस वाओ मज़ा आने वाला है गाइस, अभी इसको कुछ खिलाएंगे, ठीक है इसको अच्छा सा कुछ खिलाएंगे गाइस,
प्री कुक बर्गर है मिक्स मशरूम्स है, आई थिंक मिक्स मशरूम से इसको खिलाते हैं। चलो गाइस ओके ऐड करा और यहाँ पे पैकाबेरी ऐड करूँ क्या, इज पॉपुलर फॉर रेफरेंस स्वीटनेस। हाँ पैकाबेरी ऐड करते हैं गाइस, दो पैकाबेरीज ऐड कर दिया मैंने और बीटर नहीं नहीं और ये नहीं, ये भी नहीं भाई, ये भी नहीं, बेरी डेट इज सीक्रेट फॉर कुकिंग बिकॉज इट्स बीटर, बीटर नहीं, बीटर नहीं, टेस्ट नहीं चाहिए भाई हमको, स्वीट टेस्ट, स्वीटनेस, ऑरन बेरी, ऑरन बेरी को ऐड करते हैं। एंड नाउ गाइस चलो कुक करते हैं गाइस, अपने रियोलो को खिलाते हैं। आज तो मैं इसको लुकारियो बना के ही छोड़ूंगा ब्रो। ओके गाइस पहले तो इसमें आग जलाना पड़ेगा गाइस, यस पहले आग लगाना पड़ेगा। ओके लग जा आग, लग जा 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 जल्दी से। ओके आग लग चुका है गाइस, आग लग चुका है, अभी मैं इसको पकाने वाला हूँ, आई मीन गोल गोल घुमा के, ठीक है करछी को घुमाने वाला हूँ एक्चुअली। यस 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 गिव इट अ गुड स्टियर, तो पूरा पकाएंगे गाइस इसको, पूरा पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे, ठीक है। आप लोगों को भी खाने का मन कर रहा है क्या? मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग कार्टून्स में ऐसे ही खानास को देखते थे ना, खानास आई मीन गाइस मील्स को खानास बोल दिया गाइस मैंने। ओके गाइस पुट योर हार्ट, अभी अपने हार्ट को डालने वाला। ओ वाओ क्या ही खूबसूरत हार्ट डाला है मैंने, अब देखते हैं गाइस। ओके गाइस हो तो गया, अभी पता नहीं गाइस कैसा बना है। ओके गाइस देख सकते हो गाइस रियोलो कितना ज़रा खुश महसूस कर रहा है। मशरूम मेल्दी करी, मेडली करी, ओके 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 प्लीज़ अच्छे से अच्छा होना प्लीज़। ओ बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। ओके गाइस योर पोकेमॉन एचपी वाज रेस्टोर्ड एंड स्टेटस कंसिस्ट ऑफ हिल, योर पोकेमॉन गेन एक्सपी पॉइंट्स। ओके चलो गाइस अभी कैंपिंग को क्विट करते हैं और देखते हैं इस बार ये लुकारियो बनेगा कि नहीं, ठीक है प्लीज इस बार लुकारियो बन जाए यार, बहुत मेहनत करा है। एंड गाइस ये लेवल अप तो हो चुका है, ओ प्लीज प्रभु, प्लीज प्रभु, प्लीज प्लीज प्रभु, बन चुका है गाइस, बन चुका है गाइस लुकारियो। ओ भाई ओ भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगा ब्रो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यार। एंड फाइनली गाइस रियोलो लुकारियो में बदलने वाला, अरे भाई यार किस कितना प्यार करा मैंने इसको और ये बन चुका है गाइस लुका रियो ब्रो, लुकारियो बन चुका है। अरे भाई साहब अब मेरा दिल एकदम खुशी के हमारे पागल हो गया है भाई। ओ भाई साहब फाइटिंग स्टील बन चुका है गाइस, अभी मैं इसको ऑरा स्पियर भी सिखा सकता हूँ। ओके वॉन्ट्स टू लर्न, ओ ये खुद से सीखना चाहता है ऑरा स्पियर, ये खुद से ही सीखना चाहता है ऑरा स्पियर, ऑब्वियसली सीखेगा क्योंकि गाइस आप सभी भाइयों को पता है कि ऑरा स्पियर कितना ओपी मूव है। तो रिवर्सल को हटाते हैं गाइस, फाइनल गैम्बिट को रखेंगे, ठीक है। अरे भाई साहब लुकारियो बना दिया मैंने यार, ये क्या मज़ेदार था ये यार, इतना प्यार करा मैंने इसको और तब जाके गाइस ये लुकारियो बना। फाइनल गाइस हमें लुकारियो मिल चुका है, अभी और एक लास्ट काम करेंगे और उसके बाद गाइस आज का एपिसोड हम लोग एंड करने वाले हैं। और वो लास्ट काम क्या है गाइस, हम लोग बुटीक में जाएंगे, ठीक है बुटीक में जा करके हम लोग अपने बैग को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे को भाई लोग बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे हो कि बोल भाई प्लीज़ यार प्लीज़ अपना बैग चेंज कर लो, एंड आप लोग जो बोलते हो मैं वो करता हूँ गाइस। ओके गाइस मैंने बैग खरीद लिया, अभी बैग को चेंज कर लेता हूँ चलो। ओके गाइस यस ओके गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हो अब मेरे पास बैग भी है, एक मैचिंग कलर वाला बैग, ग्रे कलर वाला। एंड गाइस आज का एपिसोड हम लोग इधर ही एंड करते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो अपने बोल भाई को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम लोग बैक टू बैक अभी पोकेमॉन एपिसोड्स डालने वाले हैं। एंड ऑल्सो गाइस पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड आने वाला है, मैंने प्री बुकिंग कर दिया है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे पोकेमॉन डायमंड और लेजेंड आर्सियस और जितने भी न्यू पोकेमॉन गेम्स आएंगे सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस मिलते हैं कल, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मज़े में रहो, हैप्पी दिवाली गाइस, वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, सायो नारा।